करेलों को अच्छी तरह से छीलकर उन पर नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद उनको धोकर हम रख लेंगे एक तरफ को और फिर कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उनको फ्राई कर लेंगे, जैसा कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। मंदी आंच पर करना है, यानी कि धीमी आंच पर करना है ये सब काम, तेज आंच पर नहीं करना है। तो इस तरह से बीच बीच में हिलाते रहेंगे इनको और देखिए थोड़ी देर बाद इनका कलर चेंज हो गया, फिर हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सारे करेलों को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो इसके अंदर ये मैंने निकाल ली है और ये मैंने प्याज काट कर रख ली है और ये मेथी दाना ले लिया है और जो तेल बच रहा था कढ़ाई के अंदर उसके अंदर हमने मेथी दाना डाल दिया है, उसको थोड़ा सा चला दिया है हमने और फिर इसके अंदर प्याज कटे हुए प्याज हमने डाल दिए हैं और फिर अच्छी तरह से उनको धीमी आंच पर हम भून लेंगे प्याज को भी। इस तरह से भून जाने पर प्याज उसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे, अपने हिसाब से आप हल्दी डाल लीजिए जिस तरह का आप खाते हो खाना। ये मैंने हल्दी डाली, उसको चला दिया अच्छी तरह और ये करेले डाल दिए इसके अंदर जो हमने फ्राई किए थे। इसको फिर अच्छी तरह से हम चला लेंगे, सारा काम धीमी आंच पे ही करना है। और ये हरी मिर्ची, आज कम थी हरी मिर्ची, नहीं तो मैं तो बहुत डालती हूँ हरी मिर्ची, बहुत स्वाद आता है करेलों में हरी मिर्ची का। धोकर काट कर हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इस तरह से इनको हल्का हल्का सा चला कर ढक देंगे। अब ये मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक मिर्च डाल देंगे और उसको चला लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको चला देंगे और फिर ढककर हम थोड़ी देर उसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हम जो ये मिर्ची हमने डाली है ये अच्छी तरह से पक जाएगा, ये हमने ढक दिया है इसको। थोड़ी देर बाद फिर जब ये बन जाते हैं तो हमने इसमें अमचूर डाल दिया है, थोड़ा खटास अच्छा लगता है, और फिर इसको चला देंगे और फिर थोड़ी सी देर के लिए फिर धीमी आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से आप करेले बनाओगे तो वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता और स्वाद बनते हैं। देखिए कितना अच्छा रंग आया, बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है देख कर। देखिए ये बन गए हैं, अब मैंने इनको दूसरे बर्तन में निकाल कर रख दूँगी और ये कई दिन तक चल जाते हैं। अचार की जगह आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं या रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं, जैसा आपको खाना है खाइए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा है और स्वाद भी बहुत लग रहे हैं देखने में। तो मुझे बताइए कैसे लगे आपको।